जादू के मंगल विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू, सर चढ़कर बोलेगा। और इस बैंड बाजे बारात शरारत को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज है हमारा शादी स्पेशल, जिसमें हंसी का कन्यादान करेंगी कॉमेडी की हर बहू, क्या दामाद को भी अपने घर ले जाने वाली कॉमेडी की सासू माँ अर्चना। ज्यादा कमेंट्स करने वाले शेखर समाज। तो आप कॉमेडी और मैजिक के फेरे शुरू करें। कपिल मिलाए जोड़ी, एक येड़ा एक येड़ी। अब अगर कपिल मैरिज ब्यूरो खोलेगा अब तो वो ऐसी ही जोड़ियां बनाएगा ना। और उसके पास अपनी शादी के लिए आई है मुक्ति। देखें कपिल उसकी शादी करवाते हैं या उसके दिमाग की दही जमाते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज मैरिज ब्यूरो ओनर विद मुक्ति एज हरसेल्फ। हेलो, हाँ जी, सब कुछ लाल शादी वाला बोल रहा हूँ। जी जी, ये सारा अरेंजमेंट बताइए क्या क्या चाहिए। दो कुर्सियां चाहिए बड़ी वाली, आप उठेंगे दो मिनट? नहीं, आपको नहीं, आइए ऑडियंस वाले। जो हो गया अरेंजमेंट, चलो ठीक है ठीक है। एक कॉमेडियन चाहिए, राजीव ठाकुर, कल राजीव निगम को छोड़ा ना एयरपोर्ट पे, हैं ठीक है। हाँ जी, और क्या चाहिए? पकाने वाला चाहिए। अच्छा, सुकेश तेरे में कोई ट्विस्ट नहीं, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या चाहिए? जी, शराब सर्व करने वाली लड़की। हाँ वो अनीता, मेरी चाबी पड़ी होगी, रख लेना। हाँ जी, वो ढूंढ लेंगे लड़की भी कोई। हाँ चलो ठीक है, सब अरेंजमेंट होएगा जी। ओके, थैंक यू जी। शेखर जी, मैंने नया काम खोला है, सब कुछ लाल शादी वाला, सारे अरेंजमेंट करता हूँ, मतलब टेंट से लेके दूल्हा तक सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। आपको तो पहले वाला जो काम था आपको तो पता ही है। नहीं मतलब कई बार आए हो आप मेरी दुकान पे, पिस्ता लगा लेने, बादाम वगैरह, आपको तो याद ही है। आज बस अच्छे अच्छे ग्राहक आ जाए, मेरी तो जिंदगी बन जाए। गलती से रॉन्ग सीढ़ी लग गई, सॉरी। लड़की इतनी खूबसूरत लड़की, मेरे को दो गुलदस्ते कम पड़ रहे हैं, दिल करता आग लगा दूं आपको। नहीं, एक सेकंड मैडम, आपका वेलकम है जी, वेलकम है आपका, आपका वेलकम है जी। आइए मैडम, बताइए मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी मैं, बताइए जी। मुझे शादी करनी है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। हेलो पुष्पा, तेरा खजम बोल रहा हूँ। हाँ, अपने बच्चों को उठा और दफा हो जाए यहाँ से। मेरे को कहती थी 20 साल से मेरा दिमाग खाली, बच्चों को ले दफा हो जाए। बात सुन, बात सुन मेरी, और छोटे वाले को अलमारी में से निकाल लेना। हाँ, अब तक निकला नहीं होगा बाहर, दफा हो जाए। शाम को मेरे नजर नहीं आनी चाहिए तू, इस बार का करवा चौथ तू नहीं रखेगी मेरे लिए। जी ये क्या किया आपने? मैडम जब आप करी रही है शादी तो उसको गोली मारो, तलाक ही दूंगा। अबे ओ, मैं तुझसे शादी नहीं करने आई हूँ। क्या तुम मेरे को पहले बताना चाहिए था, मैंने चिंटू को भी अलमारी से बाहर निकलवा लिया बेचारे की, उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी। चिंटू को तो गोली मारो, जो मेरा नुकसान हुआ है मेरा। आपकी बीवी बुरा मान जाएगी ना? अबे बीवी की माँ की यार, जो मैंने 60 पैसे की आउटगोइंग की उसका बोल। तुम क्या वही हो जो शादी वादी का? मैं वही वही मैडम, सब कुछ लाल शादी वाला। तो मैंने इतनी बड़ी शादी करवा दी, आपको पता है सुबह विदाई के वक्त दूल्हा बच्चा साथ में लेके गया। वैसे मैडम एक बात बताए, आपकी शादी नहीं हुई ना अभी तक? नहीं। अच्छा शेखर जी, लानत है देश के नौजवानों पर, अगर ऐसी लड़कियां कुंवारी घूम रही, हमने पता नहीं किनसे शादी कर ली।
अब मेरी बीवी की शक्ल तो ऐसी है ना अर्चना जी, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लो ना उसकी, क्योंकि मूछें ऑलरेडी हैं। तो ऊपर पकड़ी रख दो, पूरी सुरिंदर लगती है। एक फर्क है मेरी बीवी में और सुरिंदर में। वो क्या है? बिकनी में सुरिंदर ज्यादा हॉट लगता है। मैडम मेरी बात बताएं, आप शादी करवानी है आपने और आप अपने अरेंजमेंट खुद ही कर रही हैं, आपके घर वाले नहीं कर रहे? मेरे कोई घर वाला नहीं है। घर वाला होता तो शादी क्यों करती, दिमाग खराब। अरे मेरा मतलब है कि मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। अकेली हो? शेखर जी मैं क्या सुन रहा हूँ। ऐसी लड़कियां अगर अकेली घूम रही हैं, भारती को तो फांसी हो जानी चाहिए थी अब तक। तुम्हें पता है इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी शादी कराना चाहती हूँ, वो भी 30 तारीख से पहले। क्यों, 30 तारीख को तुम्हारी डेट एक्सपायर हो रही है? अरे नहीं यार, मेरे मम्मी पापा की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अच्छा, और वो प्रॉपर्टी मेरी तभी हो सकती है जब मेरी 30 तारीख से पहले शादी हो जाए। अच्छा, और अगर 30 के बाद होती है तो? तो आधी प्रॉपर्टी तो होने वाले पति के नाम करनी पड़ेगी। अच्छा। हेलो, वो तो गई नहीं अभी तक। और सुन, वो बड़े वाले पिंटू को ना, बड़े वाले पिंटू को वॉशिंग मशीन में से निकाल लेना। हाँ, सूख गया होगा अब तक। हाँ, ओके भाई। तुम अपने बच्चों को वॉशिंग मशीन में रखते हो? नहीं, मैंने पहले स्कूल में ही डाला था, सारा दिन गंदा होके आ जाता था, मैंने सोचा वॉशिंग मशीन में डालें कम से कम साफ तो रहेगा। तुम बिना इतने बदतमीज हो, मतलब इतने मासूम से बच्चे होते हैं। मुझे पता है मैडम मासूम होते हैं, लेकिन मेरे वाले नहीं है। इतने गंदे बच्चे, छोटा वाला चिंटू है ना, जो उसके मैं स्कूल गया कल, उसकी मैडम आई, उसको देख के बोलता है पापा माल देखो। मैंने कहा मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। मैडम माल होती है, मैडम माँ के समान होती है। कहता पापा आप तो हमेशा अपने चक्कर में रहते हो, इतने गंदे बच्चे हैं। अच्छा ये सब बात छोड़ो। हाँ जी, कोई मेरे लायक कोई लड़का है तो बताओ। लड़का? मैडम इतने लड़के आपके लायक अभी दिखा रहा हूँ, आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए। बहुत सारे लड़के मेरे पास, एक सेकंड जरा दिखाओ दिखाओ। ये देखिए लड़का, आय हाय हाय हाय। देखो मेरा ना सुबह से बहुत दिमाग गर्म है, एक कान के नीचे खाएगा तू। अपनी माँ बहन को दिखाना। माँ बहन को दिखाई थी, उन्होंने पसंद नहीं किया, मैंने कहा आपको चिपका देता हूँ, मतलब। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे शेखर जी, इसको फोटो में देख के इतना गुस्सा कर रही, मैं सोच रहा हूँ पारुल की तो कभी भी किडनी फेल हो सकती है। वैसे मैडम अब इसको छोड़िए, गोली मार। एक सेकंड, मेरा फोन आ गया यार। हेलो, फोन ही आता रहता है। तो गई नहीं अभी तक? हाँ क्या क्या, तो डॉक्टर को बुला जल्दी, आज ज्यादा लेट ना हो जाए। और सुन, अगर ज्यादा लेट हो गए फिर मत बुलाना डॉक्टर को, खामा का फीस पड़ेगी। चल इतनी टेंशन की ले रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ओके ओ जी, अब क्या हो गया? ओ कुछ नहीं मैडम, छोटा वाला पप्पू है ना। हाँ? वो चपाती में बल्ब लपेट के खा गया था। चपाती में बल्ब लपेट के खा गया? हाँ, वो छोटा है ना, बड़ा वाला तो ट्यूब से कम में मानता नहीं। कैसे बच्चे तुम्हारे? ओ मैडम ऐसे ही है बच्चे, बच्चों को गोली मारो। आप दूसरा लड़का देखो मैडम, ये लड़का देखिए मैडम। ये लड़का है, ये क्या करते हैं? ये मैडम आता हर शूट पे, करता पता नहीं क्या है, अभी भी देख लो कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे, आदमी को शर्म आनी चाहिए भी, हम लोग यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तू जाके कपड़े वपड़े धोले बाहर। वैसे एक बात है मैडम, ये कोई आम आर्टिस्ट नहीं है, आपको पता है ये अकेला ऐसा कलाकार, इसे 3-3 वैनिटी मिली हुई है। 3-3? हाँ, लेकिन मजाल है, एक भी अच्छी तरह से साफ कर दे। आपको पता है इसकी किस्मत बड़ी खराब है बेचारे की, ये स्पॉट को भी आवाज लगाता ना, स्पॉट दादा चाय, स्पॉट आगे से कहता 5 मिनट बाद लाना, मैंने अभी मैगी खाई है। ऐसी किस्मत है। आप छोड़ो मैडम इसको, आपको दूसरा दिखाओ, मतलब एक ऐसा लड़का दिखाऊंगा ना मैडम, आपकी माँ बहन एक ना, मतलब आपकी माँ बहन को भी ना पसंद आएगा पहली नजर में, तो फिर देखना। ये देखो लड़का, कितना हैंडसम है, लेकिन इसके मुंह पे पट्टी क्यों लगी है? मैडम एक्चुअली ओरिजिनल के नहीं ना लगा सकते, एक्चुअली पता क्या है। देखो तुम जितनी बकवास कर लो, ये बहुत हैंडसम है एंड परफेक्ट फॉर मी। टेप वाली बात तो सुन लो पहले। टेप एक्चुअली इसलिए लगाई ना मैडम, टेप ना लगाए, 13 कैमरे लगे हुए हैं, सब कैमरे की 3-3 मीटर टेप खा जाते हैं ये फिर। अरे जो भी हो, इतना हैंडसम है, मिले तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, शादी करा दो भाई अभी। शादी शादी मत करो मैडम, बड़ा रिस्की काम है।
वो क्यों? ओ मैडम प्यार का इजहार बड़ा लंबा लंबा तीन तीन दिन तक करते रहते हैं मेरे ये मतलब वाओ दैट इज परफेक्ट यही तो चाहिए था और इतना हैंडसम भी आया हैंडसम अच्छा लड़कियों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती जो राइटर लिखते बोल देती हैं नहीं नहीं मतलब अगर हैंडसम है तो है अब क्या तू ना मेरे शेखू के बारे में ये सब मत बोल अच्छा अब शेखू बाहर भेंकू भेंकू कह रही थी निकल आ गए तू थोड़ा सा जबान फिसल जाती है यार ज्यादा जबान मत फिसलाया कर हमारा जवान फिसल गया ना तब फिर देख ले फिसल गया जवान कैसे कैसे लगी इनकी मैच मेकिंग मुझे तो आपका जो एंड में जो आपका एक्ट ही फिसल गया समझ नहीं आया कैसे एंड हो गया डांस शुरू किया फिर खत्म किया आई हैवंट लाफ्ड दिस हार्ड इन अ लॉन्ग 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 टाइम ये एक्ट फिर कपिल आप पर निर्भर था मुक्ति यू आर अगेन फैंटास्टिक यू आर अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर फॉर कपिल And both of you make a stunning couple. And Mukti, no, not with Shekhu, with Kapil. Shekhu. Thank you. Shekhu. Thank you. इस वक्त जब सभी लोग ये शो देख रहे हैं उस वक्त मुख्तलिफ चैनलों पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं इसलिए हो सकता है लोगों का ध्यान भटक जाए लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ कपिल और मुक्ति परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ सारे चैनल बंद कर दें और सिर्फ इनको देखें थैंक यू कुल मिला के इट वॉज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्ट एंड मुक्ति लेट मी टेल यू दैट यू आर सच अ वेलकम एडिशन टू दिस शो यू आर टेरिफिक यू आर फैंटास्टिक अब बारी है अच्छे अच्छे स्कोर्स की अच्छे अच्छे स्कोर की फॉर दिस इज व्हाट आई कॉल अ फ्लाइंग स्टार्ट 9 पॉइंट थैंक यू सर अर्चना जी नाइन वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू जहां आज हो रहा है हंसी और जादू का गठबंधन सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ यहाँ भी मेरा भाई पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है मुझसे शादी करने आए लड़कों की बैंड बजा रहा है मेरा भाई गोलू प्लीज वेलकम भारती एज गोलू विद सुकेश एज वेरियस कैरेक्टर्स दीदी दीदी शेखर अंकल आपने मेरी अनीता दीदी को देखा इन्होंने देखा होगा क्योंकि वो लड़की है लो मैं इतना रो रो के पुकार रहा हूँ ये इधर बैठे एंकरिंग करने की कोशिश कर रही है कितनी बार कहा कि जो काम नहीं होता ना करा कर ना करा कर मेरी सारी बहनें ही ऐसी हैं पिछले एपिसोड में जो आउट हुई पारुल देखा आपने शेखर जी उसको लो इनको देखने के लिए बोल दो घर तक चले जाते हैं तो मैं कहा था मैं तो यहीं पे हूँ लेकिन ये पारुल के साथ घर पे चले गए और मेरी दूसरी बहन मुत्की मुक्ति इतनी टैलेंटेड है इतना अच्छा डांस करती है छीक और डकार पे क्या ठुमके लगाती है इतनी बोली है मेरी अनीता दीदी इतनी बोली है कि वैलेंटाइन डे वाले दिन भी ना लोगों को ना लड़कों को रखड़ी बांध देती है देखो आज इसकी शादी के लिए इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं इसको पता ही नहीं है सुरिंदर फ्री हो तो आ जाओ इसको देखने के लिए नहीं मेरा कहने का मतलब मैं चाहता हूँ घर का माल घर पे ही रहे टिंग टोंग 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 टिंग टोंग टोंग आ रहा हूँ क्यों मरी जा रहा है अरे ये कौन है अरे सुनो अरे 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 हम हैं वो क्या है हमसे सबर नहीं हो रहा था सबर कर कर के तो कबर की उम्र हो गई है हमारी वैसे बच्चों के सुरेंद्र
ये बताओ कि चावला साहब का घर यही है? अबे तू अंधा है, बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा था तूने पढ़ा नहीं? अब बेटा हम पढ़ तो जरूर लेते मगर क्या है, हमारी पास की नजर जरा कमजोर है। अच्छा तो जब घर से निकले थे तब तो दूर थी ना, तब पढ़ लेते। तू यहाँ करने क्या आया है? बेटा हमें किसी ने बताया कि कोई सुंदर जवान लड़की शादी के लिए यहाँ हमारा इंतजार कर रही है। ये तो ठीक है लेकिन लड़की नहीं, तेरा अर्थी इंतजार कर रही है। बेटा हम तो शादी करने के मूड के आए थे। देखो काम करो, अपने मम्मी पापा को बुला लो जो हमारे होने वाले सास ससुर हैं, ताकि हम उनसे बात कर ले, बच्चों के मुंह नहीं लगते। अच्छा तेरे को तो मैं अपने मुंह भी ना लगाऊं, इसकी दाढ़ी खींच दो ना तो बांग्लादेश का पिंचू कपूर लगे। मेरे माँ बाप कोई बात नहीं करते, जो बात करनी गोलू से कर। बेटा तुम्हें देख के तो हमें डर लग रहा है, तुम्हारे तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारी जो बहन है वो है कहाँ पर? वो देखो आज शरीफ बन के बैठी, नहीं तो रोज नंगी पुंगी होके बैठती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे ये तो चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। हाँ तो लगेगी ना, शेव करके बैठी हुई है। दो दिन पहले आते यही चांद का टुकड़ा मंगल ग्रह वाला फील दे रहा था। तुम कितनी बकबक कर रहे हो बेटा, और अपनी बहन को देखो कैसी छुई मुई से चुपचाप बैठी है, बोल ही नहीं रही है। ये नहीं हाल बोलेगी। क्यों बेटा ऐसा क्यों? हमने इसको चुप रहने के लिए कहा हुआ है। हाँ? वो क्यों बेटा चुप क्यों रखा है? अरे एंकरिंग तक तो ठीक है, अगर हमारे एक्ट में फंबल मार दिया हम तो गए ना। अच्छा जी ऐसी एंकर होती है जो ब्रेथलेस गाना सुन के कोमा में चली जाती है। चल फूट यहाँ से। बेटा देखो आज तुम्हें चल यहाँ से। देखो हम आज तो चले जाते, लेने आएंगे हम तुम्हें, लेने आएंगे, इंतजार करना। बदतमीज कहीं का, पता नहीं कहाँ चले गए मम्मी डैडी, मेरे को भूख लगी जा रही है, मैं क्या खाऊं? भूख लगी जा रही है? कुर्सी नहीं, मैंने कल कुर्सी खा ली थी। ये क्या रखा डैडी ने? ओए इसको खा के देखता हूँ कैसी है। चले जाते हैं कच्चे चावल छोड़ जाते हैं, क्या करूं मैं? ये देखो इतना सारा भर गया भी। क्या ना मम्मी देखो चावल ही बना गए, एक दाल कुछ रखी नहीं हुई, क्या करूं मैं? दाल कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं? निकल दाल निकल नहीं रही, निकल निकल रही है दाल। ये देखो अरे कोई है? अरे बेकार लोग हैं, कहीं भी दरवाजा लगा देते। वो तो अच्छा है कि मैं अंधा हूँ जिससे मैंने उस दरवाजे को महसूस कर लिया, वरना गिर ही पड़ता। अरे कोई है? अरे कोई है? कोई है? अबे कोई है? अंधे खुद तो अंधा है, हमें बहरा करेगा? यहाँ क्या करने आया तू? सेहरा लगाया देखो लड़की देखने आया हूँ। तू तो अंधा है, लड़की कैसे देखेगा? तो फिर लड़की ही मुझे देख ले, वो जैसी भी होगी मुझे पसंद है। वैसे बेटा तुम कौन हो? मैं लड़की का छोटा भाई गोलू। छोटा भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं उन्हें बुलाओ। मेरे मम्मी पापा आपस में मिलने बाहर गए हैं। आपस में मिलने? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हम चार भाई बहन है ना, तो घर में आपस में मिल नहीं पाते इसीलिए बाहर गए हैं। चार तो तुम ऑलरेडी हो, अब वो आपस में क्यों मिलना चाहते हैं? मेरा मम्मी डैडी की बात छोड़, इधर किधर? मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई लड़की शादी के लिए पड़ी हुई है। ओ, साड़िया कमतर।
मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं अंधा हूँ ना, तो कब क्या मुंह से निकल जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन तू अंधा हुआ कैसे? कुछ नहीं, मैंने बचपन में सुरिंदर को देख लिया था। मैं भी तो बचपन से सुरिंदर को देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, मगर मैंने सुरिंदर को बचपन में नहाते हुए देख लिया था। चल जा, मेरी बहन पता कितनी टैलेंटेड है। कितनी? अरे अगर उसको ब्रश करने से पहले भूख लगे ना तो ब्रेड पे कोलगेट लगा के खा जाती है, दोनों काम है एक साथ। ये टैलेंट है या कर्तव्य है? कर्तव्य तो ठीक है, लेकिन तू क्या करता है? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, सोचा था शादी के बाद कुछ जरूर करूंगा, मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बहन के लायक नहीं हूँ। तू ही मेरी बहन के लायक है। अच्छा। पता क्यों? क्योंकि मेरी दीदी को सुहागरात में बत्तियां भी नहीं बंद करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि मैं ये रिश्ता पक्का करूं, तुम मुझे अपनी बहन के बारे में बताओ, वो देखने में कैसी है? आए, मूछें हटा दो तो बिल्कुल संजय दत्त लगती है। तुम्हारे पिताजी से जरूर कोई भूल हुई है, कैसी लड़की पैदा की है उसने मूछों वाली? मेरे भाई बहन पता कितने टैलेंटेड है, मेरा भाई मूछें लगा दो ना तो अर्चना से भी ज्यादा हैंडसम है। अच्छा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का ही समझता हूँ। मैंने तो आते ही कह दिया था पक्का। तो एक काम करो ना, दिखाओ तुम्हारी बहन कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तू क्या बार बार कह रहा है दिखाओ दिखाओ? वो तो अंधा है। तो ठीक है, फिर मैं उसे महसूस ही कर लूंगा। चल आदर को महसूस करवाता हूँ। हाँ करवाओ। देखो, अंधे का मजाक मत उड़ाओ, अंधे को उल्लू मत बनाओ, ये तो सुरेंद्र है, मैं सुरेंद्र को तुम्हारी बहन कैसे मान लूं? अच्छा। मेरे को पता था ये अंधा नहीं है। जितने हमारे लिए 2-4 नंबर है उतने ही दे दो हमें। अर्चना जी, कैसा लगा आपको मेरा भाई? भाई ये तो एक्ट अच्छा था, मुझे गोलू बहुत पसंद आया, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं भारती तुम्हें देख रही हूँ, बिकॉज़ यू डू इट परफेक्टली। एक्ट उठ सकता था थोड़ा और ऐसा नहीं कि ह्यूमर नहीं था एक्ट में, बट आई जस्ट विश इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। शेखर जी, गोलू के बारे में आप क्या कहेंगे? गोलू बड़ा भोलू है। गोलू बड़ा चालू है, गोलू बड़ा स्वीट है। You were fantastic. Sukesh, you were also very good. But this act completely belonged to you, Bhart. Shekhar ji, aapke scores. Oye, balle balle, 9 points. Badnaam Munni shaadi karke aaj Surinder ke saath vida ho rahi hai. Lekin vidai se pehle use yaad aa rahi hai apne purane yaaron ki. Please welcome Rajiv Nigam as Badnaam Munni with Manish Paul as various characters. शेखर जी, फिर से औरत। आपने बोला था ना कि लिंग परिवर्तन करवा लो, करवा लिया। अब तो हालत ये हो गई शेखर जी, मैं अपने घर में जाता हूँ, मेरी वाइफ दरवाजा खोलती बोलती दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। कैसी औरत बड़ा कितना महंगा होता है अर्चना जी, पता है संतरे 150 रुपए किलो हो गए। वैसे आज शादी स्पेशल है, आज मेरी शादी हो गई है सुरेंद्र के साथ। आज मैं सुरेंद्र जी के साथ विदा हो रही हूँ, लेकिन सुरेंद्र जी उससे पहले मैं अपने पुराने यारों से मिल लूं। एक से एक अच्छे अच्छे लड़के थे, सब मुझे इतना प्यार करते थे, आधी रात में फोन करो तुरंत आ जाते थे। सब लाइन लगा करके मुझे विदा करने के लिए बाहर खड़े टोकन लेकर के। मुन्नी पबलू, रुक जा,
तूने कितनी शमाए रोशन करी हैं, आज तेरी याद में तेरे प्यार में मैं भी शमा रोशन करूंगा, ये ले। आ पप्पू तू कितना बदल गया है, पहले तो सिर्फ शमाए बुझाता था, अब जलाने भी लगा है। मुन्नी पप्पू मुन्नी क्यों छोड़ के जा रही हो? जाना पड़ेगा बबलू। अरे कपड़े क्यों छोड़ के जा रही हो, कल रात मेरे घर पे ही रह गए। हाँ सुरेंद्र जी, ये सुन के आपको बुरा लगा होगा ना कि मैं इतने महंगे महंगे कपड़े दूसरों के घर में छोड़ आती हूँ, लेकिन चिंता मत करो आगे से ऐसा नहीं करूंगी, हमेशा सस्ते कपड़े पहन के जाऊंगी मैं। सुरेंद्र बता दूं, लड़की तेरी हो गई है भाई, मोहल्ले में इतनी इज्जत हो जाएगी ना तेरी, घर बुला बुला के थम्सअप पिलाएंगे सब तुझे, तू देख। बस कर बबलू, इतनी मेरी तारीफें मत कर। ए, स्वीटी बुरा मान जाएंगे वो। ओए सॉरी सॉरी सुरेंद्र। नहीं नहीं इधर भी करो, जब तक दोनों तबले बराबर नहीं बजते मजा नहीं आता है। वो वाली भी बात बताओ ना, दुकानदार फूल वाला दूध वाला कोई भी मेरे से पैसे नहीं लेता है, बताओ ना। एक बात बता दूं वैसे, लड़की बड़ी किफायती है हमारी, खर्चा बिल्कुल नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड का खर्चा ही नहीं होगा, अबे जहाँ जाती है अपने विजिटिंग कार्ड पे शॉपिंग कराती है। बड़ी किफायती है, पर मुन्नी ख्याल रखना मेरा, जब मन करे बुला लेना, जिस मोहल्ले में जाए पूरे मोहल्ले को खुश कर दियो। मेरे मैं जा रहा हूँ मुन्नी। पूरी जी आपकी भी तो आंखें भर आई होंगी ना इतना प्यार देख करके। एक मिनट, हेलो। हाँ अरे नहीं, आज मेरी शादी होगी सुरेंद्र जी के साथ में। हाँ वो सब नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं, परसों। हाँ उनका शो है ना, बाहर जा रहे हैं वो। मैंने तो यार बुलाए दिए, बाहर कहाँ से आ गई? है नहीं, चुप कर। कौन है, कौन तू? ले पहचानिया नहीं, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ गुरिंदर लाल चड्डा, वाइफ ऑफ सुरिंदर लाल चड्डा। सुरिंदर जी आज भी बड़े क्वीट लग रहे हो, चड्डी पहननी भूल गए घर से, रुको। चड्डी नहीं जी, भूले नहीं होंगे, आज शादी ना तैयारी से आए होंगे ये। मैं इसलिए आई हूँ आज यहाँ पे, तुम लोगों ने ना बड़ी बेरी बेइज्जती करी है मेरे पति की है, बुला बुला के उसको पंच मारे, मेरे बच्चे को बुला बुला के पंच मारे हैं, आज मैं बेइज्जतियां करूंगी, आज छोड़ूंगी नहीं। और तू कौन है ज्यादा बोली जा रही है? फालतू बातें नहीं करने का, ये शादीशुदा है मुझे क्या मालूम। ओले मेरे को पता था इसके पीछे लड़कियां पड़ेंगी पड़ेंगी, हाय हाय मोया इतना हैंडसम नजर ना लगे। ये किधर से हैंडसम है ये? ओला नहीं नहीं, मैं की कह रही हूं, नहीं उसकी शक्ल पे मत जाओ, अंदर से बड़ा ही हैंडसम है मुझे पता है। आज ना बहुत मजा आने वाला है, आज मैंने रज की बेइज्जती करी, सुरेंद्र जी जप्पी पा दो एक। आज मैंने छोड़ना नहीं है। अच्छा। आज ना आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सबकी बेइज्जती करके जाऊंगी। हाँ बता तू आज। तो मुझे क्या मालूम था कि शादीशुदा है, मैं तो किसी और से शादी कर लेती। किससे? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बता। हाँ ये देखो एक एक करके मैं बताती। हाँ छड़ना नहीं आज किसी नू, मैं आ गई हूँ आज। बिल्कुल आज मैं ना बेइज्जती हूँ, सारे बदले लेके जाऊंगी, पता नहीं समझते की ने। मेरे को मालूम होता बहुत सारे हैंडसम लड़के मेरे पीछे लगे थे, मैं तो किसी से भी शादी कर लेती। हाँ? ये देखो मैं तो इससे शादी कर लेती। मस्की बंदा, शक्ल देखिए मस्की ने अपनी, आज मैं इसकी बेइज्जतियां करूंगी, है नहीं कोई बात नहीं फिर भी बेइज्जती करूंगी। इसकी शक्ल देखिए, काला भूत लगता है धुआं इकट्ठा करके आदमी बना दिया, बड़ा आया मस्की है। और सुन अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, अभी तो सुन, जाता ना मोहल्ले में लड़कियों ने काजल लगाना छोड़ दिया, काजल चाट आता है लड़कियों का, आया बड़ा बना अपने आप को, बाल कटवाने जाता तो बाल घर ले आता, कहता नूडल सूप पीऊंगा। हाँ बड़ा आया, काला देखा है कितना, इतना काला शरीर है, काला टीका लगाना हो तो कंफ्यूजन हो जाए, दांतों में काला टीका लगाना पड़ता उसके, आया बड़ा मस्की हट। मस्की मस्की
मैं तो उससे मनीष पॉल से शादी कर लूंगी, वो तो हैंडसम है ना तेरे पति से। है नहीं, रुक हाँ, तू दो मिनट तेरे मनीष पॉल का भी मैं निकालती हूँ। हाँ तू निकाल मनीष पॉल, आज तो मैं छड़ना नहीं है, बेचती हूँ सूरी जी, आई लव यू, चिंता ना मैं आ गई आज। हाँ मनीष पॉल मैं दसा आया वड्डा मनीष हैगा कित्थे, दिखाई नहीं देंदा, आया वड्डा मनीष पॉल, कॉमेडी सर्कस में कल का पैदा हुआ लड़का मेरे पति पे पंच मारता है। अर्चना जी मैं बताऊं, ऐसे लड़के ना सुहाग रात पे शौक देते हैं, दुल्हन के कपड़े पहन के खुद ही बैठ जाते हैं सेज पे। आया मनीष पॉल, पानी छड़ना नहीं मैं अनु। सही कह रही हूँ बहन, मैं जानती हूँ ऐसे चिकने लड़कों को, मसाज कराने जाते खुद ही पैसे लेकर के आते हैं। सही कह रही है पहन, हाँ। तो बिल्कुल ऐसे लड़कों के ना सिर्फ दुबई में शो होते हैं। हाँ तो सुरिंदर आई लव यू, चिंता ना करो, आ गई हूँ मैं आज, आज मैं सबकी सबकी बेइज्जतियां करके जाऊंगी, मेरे पति की बेइज्जती करके। कपिल तू रुक, तेरे को तो मैं आज बताती हूँ, तेरे पजामे की ऐसी तैसी करती हूँ। आया बड़ा बैठा उतर ब्लू कुर्ता पाके, हैं दस नाल है। अरे इससे अच्छा तो मैं वो हॉर्पिक डाल करके सुकेश को साफ करती, उससे शादी कर लेती मैं। अले सुकेश कोई बंदा है? सुकेश दसो यार, मुंह वेखो। मैं कह रही हूँ भारती भैन बिल्कुल ठीक कहती है, बड़ी बहु आती है यार। मैं कह रही हूँ कच्छियां का नाश्ता ही करके आंदा है अजकल, तो यह हो गया है कि भारती भैन से भी बदबू आने लगी है। भारती भैन के साइड से निकलो, बदबू से पता चल जाता है कि उसने सुकेश के साथ कितनी देर रिहर्सल किया। आया बड़ा नाक है, रुक अभी बस नहीं हुई। भगवान क्या करता है, भगवान ना पहले मुंह बनाता है उसके बाद नाक लगाता है, और इस वड्डी नाक वाले के साथ पता क्या हुआ है, इसकी नाक पहले बनी थी मुंह बाद में लगाया इसके। लेकिन आया बड़ा बड़ी नाक लेके, दस ना दस। मैं कह रही हूँ आज मैं लहरी को भी नहीं छोड़ूंगी। लहरी तो यहाँ पर है भी नहीं। कोई बात नहीं, लहरी कहीं तो होगा, आज मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, सीजन वन से लेके आज तक बड़ी बेइज्जती है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, लहरी को भी। भोली सकल वाला शक्ति कपूर है वो, बिल्कुल सही कहती है। गंदी गंदी फिल्में देख करके आता है, बकरों के कान में सुनाता है, बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहती है। और सुनो एक बात बताऊं सुरिंदर जी, ये सब आपकी तरक्की से जलते, इतने पॉपुलर हो गए ना मेरे क्वीट आदमी। सच्ची बता रही हूँ, ये हमारे अकेले आर्टिस्ट हैं जिनको सोलो लाइव शो करने का मौका मिलता है, लाइव शो बड़े स्टेज पे। हाँ क्या करते जाके वहां पे, ले कमाल है, ये ऊपर थपड़ थपड़ तबला बजाते हैं और लोग उन्हें नीचे से पंचेज मारते हैं, कमाल कर रही है यार, हंसते हैं उसपे। हाँ पता क्या है, उन्हें पे पंच मारना नहीं था, पर क्या करूं जब तक पंच मारो नहीं एक्ट पूरा ही नहीं होता। सॉरी सॉरी, घर आना पराठे खिलाऊंगी आपको मैं देसी घ्यो के। सॉरी सुरी जी, आप दोनों का प्यार देख करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप दोनों की जिंदगी से दूर चली जाऊं। नाना पैणा। अर्चना जी कैसे लगी आपको हमारी थबड़ थबड़ की बीवियां? पहले तो यहाँ पर सिर्फ थबड़ थबड़ होती थी, आज तो स्टेज में और एक्ट में भी थबड़ थबड़ हो रही थी। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। आई थिंक राजीव आपकी परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स जैसा इन्होंने कहा कि अभी तो चेंज कर लीजिए, सेक्स चेंज कर लीजिए, यू लुक ब्यूटिफुल एज अ वुमन नाउ। लेकिन मनीष यू आर द सरप्राइज, एज अ टॉल यू नो पंजाबन, यू आर लाइक फैंटास्टिक मैन, एज सुरिंदरी मिसेस सुरिंदरी यू आर टू गुड, इट वॉज एन एंजॉय। शेखर जी मुन्नी तू एकदम झंडू वाम, टोटल झंडू वाम, अब तो भूल जाओ कि तुम मर्द हो। और मैं तुम्हें मर्द के रूप में अभी देखना भी नहीं चाहता। बट मनीष यू वर किक एस, you are hysterical, you are insane, I think you are just completely out of this world in this. मैंने बहुत 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 ज़्यादा enjoy किया, और तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहना, मर्द के रूप में कभी नहीं आना, fantastic, both of you, you are very good, amazing. अच्छे अच्छे comments तो मिल गए, अब scores की बारी। Marks देने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इस episode में मैंने कपिल को जब marks देते तो कहा था कि जादू की जब भी इस episode में कपिल और मुक्ति को मिल रही है, I also want to say कि इस episode का जादू का पिटारा भी आप ही को जाता है, because the scores I am going to give are for you. आपको मिलते हैं 8 points. शेखर जी आपके स्कोर। ओ जी मेरे ओर से मिसेस चड्ढा तो मिसेस चड्डी। ओ जी पप्पी टप्पी झप्पी पिटारा सितारा खटारा सब तुहाडे वास्ते, वेखो।
मिलते हैं 10 पॉइंट्स। जोरदार तालियां मुन्नी और मनीष के लिए प्लीज। वेलकम बैक टू कॉमेडी सर्कस का जादू, जहां आज जोड़ियां बजा रही हैं शादी का बैंड बाजा। देखें अगली जोड़ी किसकी बारात लाती है। आज शादी के माहौल में हम भी आपको देते हैं खुशखबरी। आज से हम आपको हंसाने आएंगे हफ्ते में दो बार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कल भी आएंगे लाफ्टर की बारात लेकर। आज कॉमेडी सर्किस में पहली बार होगा गैर कानूनी काम। यहाँ होगा इंडियन टेलीविजन का सबसे फेमस बाल विवाह। बालिका वधु आनंदी की शादी जगिया से करवाने आ रहे हैं सलोनी एज आनंदी विद राजीव एज वेरियस कैरेक्टर। बेटी ये लो रुमाल, आंसू पोंछने के काम आएगा। पापू साहब मैं रोने नहीं रुलाने जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास रुलाने वाला सामान भी है। ये देख, ये ले। विदाई आ गई है, रोना पड़ेगा। पापू साहब ऐसा मत रो, अर्चना हंस रही है। बापू साहब लेकिन रोना तो मुझे चाहिए, मैं छोड़ के जा रही हूँ घर। बापू साहब। बेटी मैं क्यों ना रो, जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कहाँ बड़ा किया, इस हाफ बीएचके फ्लैट को 3 बीएचके बनाने से पहले ही उसकी रजिस्ट्री कर दी। बापू साहब आपकी भी शादी मेरे जितनी उम्र में हो गई थी। नहीं बिटिया तू तो बड़ी हो गई है, मुझे तो पोलियो ड्रॉप पिलाने के वहां जाके मेरी रिंग सेरेमनी कर दी थी। तो आपने मना नहीं किया? मैंने बहुत मना किया कि मत करो मत करो। फिर क्या, सालों ने समझा मैं पोलियो ड्रॉप पीने से मना कर रहा हूँ, पोलियो ड्रॉप रह गए, शादी हो गई। बापू साहब अभी हमने कॉमेडी नहीं की तो मेरे साथ साथ आपकी भी विदाई हो जाएगी। कितनी सियानी बातें करती है, अभी तो इसकी माँ दुनिया में नहीं रही। जब इस दुनिया में थी तो कहाँ इस दुनिया में थी, चरस पी के दूसरी दुनिया में पड़ी रहती थी। बेटी कभी कभार चरस पिया करती थी, वैसे तो वो गांजे की शौकीन थी। एक दिन इतना पी लिया कि गांजे के चक्कर में रांझे को छोड़ के चली गई। बाबू साहब हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो कैसा दिखता है। बाबू साहब वो बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा, वो तेरी हर डिमांड पूरी करेगा। वो मुझे दूध में बोनविटा मिला कर देगा। देगा बेटा। मुझे चॉकलेट ला कर देगा। देगा बेटा। मुझे खिलौने ला कर देगा। देगा बेटा। बापू साहब ये सब काम तो आप भी मिले करते हो, तो वो मेरा पति हुआ कि पिता। अरे बापू साहब हाँ। मैंने सुना है कि सारी प्रॉब्लम सास क्रिएट करती है। हाँ जब तुझे देखने आई थी ना जरा सा हाथ क्या पकड़ लिया, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की उसने। आपने उसका हाथ क्यों पकड़ा? कह रही थी मेरे पैर पकड़ो लड़की वाले हो, मैंने कहा हम तो मॉडर्न है हाथ पकड़ते हैं। मैं तो उसके पैर भी पकड़ लेता, वैक्सीन नहीं की हुई थी, सास कम ससुर ज्यादा लग रही थी। बापू साहब हाँ। ये दोनों कौन है? ये तो कब से कह रही है सासू, मैं ही नहीं मान रहा। तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट देख लो ना। बना हो तो देखूं, अभी तक डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाए लड़का है या लड़की है। बेटा जाने की तैयारी करो, अभी तुम्हारे पति की एक्ट में एंट्री होने वाली है। तो मैं क्यों जाऊं? आप जाओ ना। ये ले बेटा मेरी तरफ से शगुन का नोट रख ले। इतना बड़ा नोट? कोई बात नहीं बेटा फोल्ड कर देता हूँ, ये ले। पता है मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये देखो, अब आप सोच रहे होंगे खाली है, अब कुछ दिखाती हूँ। आनंदी 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 आनंदी। अरे बच्चे का करना है। मैं जग्गिया। तू जग्गिया कम थग्गिया ज्यादा लगता है, जा जग्गिया आराम कर। मैं तो चला जाऊंगा आराम करने, लेकिन ये करने नहीं देगी। सुन मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, आजा। ये देखो। अब इस हार को गायब कर दूं? हाँ।
ये छूमंतर 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 छू ले ले वहां से जाके अब बता मैं तेरा पति हूँ कैसा लगा मैं अच्छा तू तू है वो जो चाइल्डहुड में रॉबिन हुड बना फिर रहा था देखो हमारे खानदान में बहू है ना ज्यादा जुबान नहीं लड़ाती ज्यादा नहीं बोलती तो क्या मर्द बोलते हाँ देखा शेखर जी आप समझे थे कि सिर्फ आपके खानदान में बोलते हैं इनके भी इनको कुछ मत कहना यहाँ पर सब मेरे रिश्तेदार हैं ये तबले वाले भी हाँ ये मेरा बड़ा भाई है तुम हो राजस्थान के और भाई पंजाब के बना लिए ये तो कुछ भी नहीं है मेरा एक भाई एलिमिनेट हो गया वो तो केरल से था अच्छा तुम्हारे भाई देश देश के हिस्सों में कैसे पैदा हुए क्या बताऊं मेरे बाप को भारत भ्रमण का बड़ा शौक था तुम्हारे पिताजी बारात में क्यों नहीं आए अबे अब वो रात को नहीं जा पाते बारात में कहां से आएंगे और कुछ बताओ ना अपने खानदान के बारे में हां तुम्हें घूंघट करके रखना पड़ेगा क्यों तुम्हारे खानदान वाले डरावने हैं क्या नहीं एक को छोड़ के बस यही हैंडसम है देखा शेखर जी कैसी रीत है जो शरीफ है उसे भी मुंह छुपाना पड़ रहा है और जो शरीफ नहीं है वो मुंह क्या टांगे भी नहीं छुपाती हमारे खानदान में भैंसों को सुबह उठ के 4 बजे चारा भी डालना पड़ेगा सुबह 4 बजे क्योंकि वो वक्त की बड़ी पाबंद है वक्त से पहले कुछ नहीं करती देखा शेखर जी जिनके घर में भैंसे वक्त से पहले कुछ नहीं करती उनके घर में वक्त से पहले शादी करती अरे आज बड़े मैसेज दे रही हो एकदम से रोहित जी याद आ गए ओफो, मेरी समझ में आ गया है क्या यही कि छोटी उम्र में शादी कर दो तो कॉमेडी सर्कस में कॉमेडी कर सकते हो लेकिन रियल लाइफ की सर्कस में सिर्फ ट्रेजेडी होती है अर्चना जी कैसी लगी हमारी क्यूट बालिका वधू आई थिंक इसकी क्यूटनेस ने ही इस एक्ट को बहुत अच्छा कर दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्ट वॉज वेरी नाइस चाइल्ड मैरिज जिसके खिलाफ हम सब हैं लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बिलीव करते हैं सलोनी आपने फिर से आनंदी का रोल करके यू प्रूविंग दैट यू आर वेरी गुड एज एन एक्टर लेकिन मुझे इस एक्ट में उतना मजा नहीं आया जितना मुझे आना चाहिए था दैट्स ऑल शेखर जी एक बहुत ही क्यूट एक्ट था इट वॉजंट अ ब्रिलियंट एक्ट बट इट वॉज अ वेरी वेरी स्वीट एक्ट और सलोनी तुम इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत बिल्कुल परी के जैसे दिख रही हो मेरे लिए ये एक्ट बहुत 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 एंजॉयबल सुपर अब बारी है स्कॉर्स की अर्चना जी आपको मिलते हैं 7 points शेखर जी फॉर एवरी डे इज नॉट अ ड्राई डे सम डेज आर फ्राइडेज टू For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.